Now watch all the episodes only on Lehre app. छत्रसाल अपने आप में हालांकि अभी कुछ आउट नहीं है, लेकिन औरंगजेब का किरदार निभाना आशुतोष सर, मुझे लगता है कि ये एक और सकारात्मक सोच वाले आशुतोष राणा की एक और कोशिश है कि मैं ये भी कर सकता हूँ जी। औरंगजेब का किरदार अपने आप में बहुत, मतलब मुझे लगता है लार्ज एंड लाइफ होने वाला है, वो थोड़ा सा जाने जाऊँगा। क्या आपको खास लगा कि हाँ यार मैं ये करूँगा? देखिए, अगर देखें आपके विभिन्न किरदारों की, जिस एक्टर को, अभिनेता को ललक होती है, तो अगर ये सारे कैरेक्टर देखें तो अगर हम और आप पाएंगे कि इनमें नकारात्मक ऊर्जा का विकट संचार है, लेकिन कोई भी किरदार एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो ये अपने आप में एक एक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है कि आपने ये कह दिया कि साहब आप तो विलेन कर रहे हैं, लेकिन क्या दुश्मन का विलेन संघर्ष के विलेन से मिलता था, या संघर्ष का विलेन क्या रतन सिंह से मिलता था, या शबनम मौसी का किरदार इन तीन फिल्मों से मिलता था, या आपके हिस्से में आने वाला नित्यानंद मोहले, या संतोष आनंद मुल्क का, या गुज्जर वीरेंद्र सिंह गुज्जर, क्या ये एक दूसरे से मिलते हैं? तो ये अपने आप में एक अभिनेता के लिए बड़ी चुनौती होती है कि अगर आपको, मान लीजिए कि एक नकारात्मक पक्ष है और एक सकारात्मक पक्ष है, और नकारात्मक पक्ष के किसी किरदार को अगर आप पोर्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो फिर आपके द्वारा ही अभिनीत किसी किरदार से उनकी कहीं कोई तुलना ना हो, तो ये अपने आप में एक अभिनेता के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कि ठीक है कि नकारात्मक कैरेक्टर करने वाला एक्टर अगर कोई सकारात्मक कार्य कर देता है, एक कैरेक्टर कर देता है, तो उसमें तो आपको एक विविधता नज़र आएगी, लेकिन नकारात्मक किरदारों में भी आपको विविधता नज़र आए या सकारात्मक किरदारों में भी आपको विविधता नज़र आए, तो वो अपने अभिनेता का जो कौशल है वहाँ पर उसकी परीक्षा होती है। और मुझे लगता है कि उस परीक्षा को देने के लिए परमात्मा अवसर दे रहा है और मैं तैयार हूँ। औरंगजेब को लेके देखिए, आप जब मैं यू नो वीरेंद्र सिंह की बात करता हूँ, या मैं मुल्क के उस वकील की बात करता हूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट एक विचारधारा बना के चल रहा है कि भाई मुस्लिम सो एंड सो इस तरह से ही होते हैं, औरंगजेब को लेके क्या रेफरेंस होंगे? और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि हर किरदार को दूसरे किरदार से जुदा करने के लिए क्या स्टडी रहती है, क्या होमवर्क रहता है आशुतोष राणा जी का? मैं कभी भी किरदारों के बाहरी आवरण को नहीं पकड़ता। मेरा ये मानना है कि जैसे आप में और मुझ में, हम दोनों ही आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुँह से खाते हैं, कान से सुनते हैं, जितने भी लोग हम और आप इंसान हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी और मेरी शख्सियत अलग अलग है। तो अलग अलग होने का कारण क्या है? वो अलग अलग होने का कारण होता है हमारी और आपकी विचारधारा, या हमारी और आपकी सोच, या हमारा और आपका चित्त, जिसके कारण हमारी और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग हो जाती है, हमारे और आपके बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है, हमारे और आपके एंगल अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किरदारों के बाहरी आवरण को ना पकड़ूं, उनके चित्त को, उनके मानस को पकड़ लूं। अगर उनकी विचारधारा, उनके सोचने के तरीके और उनके चित्त को हमने पकड़ लिया, तो आप विश्वास कीजिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आचार का प्रतिरूप होते हैं, वो हमारे आचरण में बदल जाते हैं। और जब आप किसी किरदार के चित्त को पकड़ते हैं, तो उस अभिनेता के द्वारा अभिनीत वो कैरेक्टर जब दर्शक देखता है, तो वो दर्शक के चित्त को पकड़ता है। और इसी यही कारण है कि एक इतनी सी आयु में या इतने कम काम करने के बाद भी हमारे हिस्से में वो काम आए जो आज भी दर्शकों को याद है। औरंगजेब का मैं फिर पूछना, औरंगजेब को लेके क्या रेफरेंस होंगे, क्या तैयारी होगी? इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा किरदार है, और मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसकी तोड़ का कोई किरदार आप उनको, हम और आप किसी भी दृष्टिकोण से रख सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो औरंगजेब का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर मुगल डायनेस्टी की भी हम बात करें, तो उस मुगल डायनेस्टी में दो ही लोग उस शबाब पर पहुंचे हैं, एक अकबर वो अपनी अलग विचारधारा से, और दूसरे औरंगजेब। ना उनके पहले के शासकों के नाम हमको और आपको याद रह पाते हैं इनके ताप के कारण, और ना उनके बाद के शासकों के नाम आपको और हमको याद रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें अगर आपको देखने, और मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है, क्योंकि राजा छत्रसाल जो कहानी लिखी है और वेब सीरीज़ जो बनाई गई है, अब ये भी हमारे मन में इच्छा थी कि हम वेब सीरीज़ करना चाहते थे लेकिन हिस्टोरिकल करना चाहते थे। तो अगर आप इच्छा करते हैं तो वो इच्छाएँ पूरी होती हैं, लेकिन
इच्छाएं पूरी होने के लिए कायनात आपसे ये कहती है कि प्रतीक्षा कीजिए, उसको अपने हिसाब से देने दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं सशक्त उदाहरण हूँ इस चीज़ का कि इच्छा करो, मन से करो, मांगो ऐसे जैसे अपने पिता की हो, और नहीं मिली तो क्या अपने पिता की थी? तो इसलिए अवसादग्रस्त नहीं होता, प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करता हूँ। और आपको औरंगज़ेब का जो किरदार है वो उसमें आपको वो तमाम चीज़ें देखने मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इधर पे राजा छत्रसाल हैं जिन्होंने अपना जीवन, सिर्फ 5 घुड़सवार थे उनके पास और 25 पैदल सैनिक थे। एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ अपनी सिंह गर्जना करता है जो ऑलरेडी पूरे भारतवर्ष के सिंहासन पर अपने वर्चस्व को स्थापित कर चुका है। तो एक ऐसी असमानता के धरातल पर लड़ा जाने वाला एक ऐसा पुरुषार्थी युद्ध है, तो वो अपने आप में बड़ी विलक्षण कथा है और विलक्षण गाथा है। और उस विलक्षण कथा और गाथा में एक ऐसा अभूतपूर्व किरदार करने का अवसर हमारे हिस्से में आया है, और लिखा भी बहुत अच्छा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आनंद देगा। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि मुझे लग रहा है और भी लोग बैठे हुए हैं, आपको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है जब मैं किसी भी लिहाज से बात करूँ, एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, क्या आप मानते हैं, हो सकता है मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ अलग तरीके से, ये बहुत अच्छा वक्त चल रहा है प्रोफेशनल के प्रोफेशन के लिहाज से, हर लिहाज से, जिस तरह का सिनेमा आप कर रहे हैं, जिस तरह के किरदार आप निभा रहे हैं, डू यू थिंक इट्स द बेस्ट फेस ऑफ योर लाइफ आशुतोष सर? देखिए, ईश्वर बहुत मेहरबान है, इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। ईश्वर हमेशा से मेहरबान रहा है, नहीं तो गाडरवारा एक बहुत छोटा सा कस्बा है, गाडरवारा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आशुतोष राणा है, वो मुंबई जो हमारे देश का सबसे बड़ा महानगर है और एक ऐसे कला जगत में जहाँ पे हमारे परिवार की कहीं कोई परंपरा नहीं रही है, उस परंपरा में अगर आशुतोष यहाँ पर अपना एक कोई भी छोटा सा स्थान हो, लेकिन वो स्थान हमारा अपना है, उस स्थान पर कहीं कोई दूसरा नहीं है, अगर ये ईश्वर की मेहरबानी ना होती, ऊपर वाले का कर्म ना होता, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पुरुषार्थी, क्योंकि हमसे ज़्यादा प्रतिभावान लोग आज की तारीख में संसार में मौजूद हैं लेकिन अपने स्थान के लिए संघर्षरत हैं। तो ये कृपा का ही परिणाम है, तो कि ईश्वर मेहरबान है। हाँ, एक परिवर्तन जो हुआ है कि दुश्मन, संघर्ष, शबनमौसी, डेंजर जैसी फिल्में हम किया करते थे, या जिन फिल्मों के माध्यम से चोट, या जिन फिल्मों के माध्यम से मुझे लोगों का मान मिला, सम्मान मिला, सराहना मिली, वो उस समय धारा के विपरीत होती थी, वो मुख्य धारा की फिल्में नहीं थी। आज ये दौर आ गया है कि वो जो धारा के विपरीत फिल्में हुआ करती थी वो आज की तारीख में मुख्य धारा की फिल्में हो गई हैं। तो निश्चित रूप से हम जैसे अभिनेताओं के लिए तो स्वर्णिम युग है। थैंक यू आशुतोष सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।